सर, मेरा एक प्रश्न है कि बहुत इसमें बहुत कंफ्यूज है कि जब आपका सेशन में जब आई अटेंड करता है उस वक्त आपने कहता है कि मीट मछली मत खाओ, तो जब मेडिकिन में जाता है और डॉक्टर लोग कहता है कि मीट मछली खाओ आपका प्रोटीन के लिए, बीमारी ठीक करवाने के लिए मीट मछली खाओ, तो उसमें बहुत कंफ्यूज है कि आपका बात मानो या डॉक्टर का बात मानो, दो ही फंसा हुआ है मैं। अच्छा, तो यहाँ पे भेज और नॉन भेज की बात आ गई। डॉक्टर कहते हैं यानी साइंस कहता है कि मीट मछली खाने से हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। और आध्यात्मिक गुरु, सब नहीं लगभग सारे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि हमें भेज खाना चाहिए। और कुछ लोग भेगाम, दही दूध का भी सेवन नहीं करना है, डायरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन नहीं करना है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। पहली बात, यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है 6 साल का, मेरी पत्नी है, आप लोग हम तीनों को देखेंगे हम बहुत स्वस्थ हैं, बहुत शांत और बहुत खुशी में रहते हैं और अंदर कोई काम जरूरी नहीं है, हम बलिष्ठ हैं अंदर से, लेकिन हम मीट मछली खाते नहीं हैं, प्योर भेज हैं। मैं तो अनियन गार्लिक का भी सेवन नहीं करता हूँ, प्योर वेज। तो कहाँ आप लोग देखिए, क्या मैं कमज़ोर दिख रहा हूँ? नहीं, नहीं दिख रहा हूँ। अब बात समझते हैं भेज एंड नॉन भेज का। डॉक्टर क्यों कहते हैं कि प्रोटीन मिलेगा, वो सही कहते हैं प्रोटीन तो मिलेगा, मैं भी कहता हूँ। आप मीट मछली खाएंगे, गाय का भी मीट खाएंगे, सूअर का भी मीट खाएंगे, ऐसे अन्य बहुत प्रकार के जानवर हैं उनको काट के खाएंगे, तो आपको प्रोटीन मिलना ही है। और आपको प्रोटीन के लिए चाहिए तो आपको सेवन करना भी चाहिए, प्रोटीन मिल चाहिए। लेकिन यहाँ पे और भी प्रोटीन के विकल्प भी तो है आपको, और अन्य बहुत सारे भेज चीज़ें हैं, साग सब्जी है, अन्य बहुत सारी वेजिटेबल्स है, वहाँ से भी तो आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। ये मीट मछली ही आपको दिख रहा है, वो बकरी ही दिख रही है, सुअर ही दिख रहे हैं, क्यों इससे प्रोटीन हमें मिलेंगे? क्या हमें प्रोटीन ही? प्रोटीन लेने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। और जो व्यक्ति सिर्फ ये शरीर के बारे में सोचता है, हेल्थ के बारे में, शरीर मांस के बारे में, फूलने के बारे में, और शारीरिक बुद्धि वाला है वो सोचेगा, तो डॉक्टर सिर्फ किसके बारे में सोचते हैं? डॉक्टर बने ही क्या चीज़ के डॉक्टर है? वो शरीर के बारे में। अब शरीर के बारे में जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, वो तो शरीर के बारे में जो जो चीज़ें आपके शरीर के लिए लाभदायक है उन चीज़ों को तो रिकमेंड करेंगे ही, वो तो रिसर्च किए हैं। शरीर के लिए प्रोटीन चाहिए तो वो बता रहे हैं प्रोटीन ऐसे ऐसी चीज़ों में मिलती है। लेकिन ये भी तो चीज़ें लिखी है कि आपको साग सब्जी में, फ्रूट में, बहुत सारी चीज़ें जहाँ से आपको प्रोटीन मिलेंगे। तो जो इंसान सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है, शरीर से ही बलिष्ठ होना चाहता है, शरीर में ही उसकी बुद्धि अटकी हुई है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, बॉडी को लेकर ही सिर्फ कॉन्शियस है वो ऐसे बातें करेगा। अब डॉक्टर ये तो बातें नहीं करते हैं, साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, मेडिकल साइकेट्रिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं वो थोड़ा बहुत आप रिसर्च कर सकते हैं मन के बारे में कि क्या हम खाने पीने से हमारा मन बनता है। ये तो शरीर की बात हो गई, लेकिन ये भी जाना है कि कौन सा आहार से हमारा मन भी कैसा बनता है, कि ये जैसा हम आहार का सेवन करते हैं वैसा हमारा मन भी बनता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि अन्न ही मन है। ऋषि मुनियों ने पहले के रिसर्चर्स, ऋषि मुनियों ने, मेडिटेटर्स, सुपर मेडिटेटर्स ने, उन्होंने सब जाना कि जो हम खाते हैं, हम जो खाते हैं उसी से हमारा अंग भी बनता है। जैसा अन्न वैसा ही अंग, और जैसा अंग बन रहा है फिर वैसा हमारा सूक्ष्म अंग बन रहा है। सूक्ष्म अंग मतलब सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारा मन भी वैसे ही बन रहा है। तो जैसा इनपुट है वैसे ही आउटपुट भी होगा। तो जैसा आहार वैसा फिर अंग बनेगा, जैसा अंग बनेगा वैसा सूक्ष्म अंग बनेगा। सूक्ष्म अंग यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर यानी कि सूक्ष्म हमारे जो मन, तो वैसे ही मन होंगे, और जैसे मन होंगे फिर वैसे हमारे अंदर विचार होंगे, जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारी एक्शंस होगी, कार्य होंगे, वैसे ही कर्म होगा, और जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमारा फल भी मिलेगा। और जिस कर्म को हम बार बार दोहराएंगे वो हमारा आदत बन जाएगी, और जिस आदत को हम बार बार उसी में अटक जाएंगे वो हमारा चरित्र बन जाएगा, और जैसा हमारा चरित्र बनेगा वैसे हमारे भाग्य बनेंगे। और देखो दुनिया में भाग्य कैसे बन रही है लोगों का। तो पूरा खाना की एक श्रृंखला है जो कि ऋषि मुनियों ने पूरे इस ठोस पदार्थ से
उस सूक्ष्मता तक पहुँचे। इस खाना का असर हमारे जीवन के विचारों तक कैसे है, फल तक कैसे है, यहाँ तक, लेकिन डॉक्टर कहाँ तक, खाना खा के प्रोटीन कैसे मिलता है शरीर में, वो प्रोटीन में ही अटक गए, प्रोटीन से आगे निकल नहीं पाए डॉक्टर। एक दो डॉक्टर निकल भी गए, एक दो साइंटिस्ट जो है दुनिया में वो निकल भी पाए, वो भेज है, वो समझ पाए। और आप लोग जाकर ऐसे गूगल पे जाकर बहुत सारे रिसर्च हो चुकी है, देख सकते हैं उसमें भेज और नॉन भेज को लेकर, कि सबसे ज़्यादा जो कैंसर का पेशेंट्स आज तक पाए गए हैं वो नॉन भेज वाले पाए गए हैं, 8 times हायर देन द भेज पीपल। कैंसर के पेशेंट्स, मीट मछली खाने वाले लोगों का सबसे ज़्यादा कैंसर होती है। उसके बाद डायरी प्रोडक्ट्स खाने वाले लोग 4 times हायर देन दी अदर्स। दी अदर्स मीन्स द भेज डायरी प्रोडक्ट्स, दही दूध डायरी प्रोडक्ट्स का जो सेवन करते हैं उनके अंदर में भेज वाले से 4 गुना, मतलब जो दही दूध सेवन नहीं करते हैं उनसे 4 गुना ज़्यादा ये लोग पाए गए हैं कि कैंसर के पेशेंट। ऐसे बहुत रिसर्च हुई हुई है, ऐसे बहुत रिसर्च हुई है कि बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसके एम्बिलिकल कॉर्ड में कितने वहाँ पे टॉक्सिन्स भरा हुआ पैदा होता है, बायोफिटन्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में ऐसे आहार का सेवन करने से। ऐसे रिसर्च में पाई गई है कि जो लोग भेज लेते हैं और जो नॉन भेज होते हैं, तो नॉन भेज लेने वाले के अंदर में 20,000 करीबन बायोफिटन्स की कमी मिलती है उसकी मात्रा, और इनके अंदर में 20,000 बायोफिटन्स की मात्रा अधिक होती है। और ये बायोफिटन्स क्या है कि प्रकृति से संवाद करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, या प्रकृति में जो ईश्वर तत्व है उससे संवाद करने के लिए सहायक होता है। ऐसी कई रिसर्च पड़ी हुई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक आर्टिकल पास किया हुआ था, उसने पब्लिश भी कर दिया था वेबसाइट पे कि नॉन भेज का कितना नुकसान है, हमें भेज खाना चाहिए, लेकिन वो कई दिन तक ही वो रहा और उनको प्रेशर मिला दुनिया से, बड़े बड़े बिजनेस में मीट के व्यापारियों से, मछली के व्यापारियों से, प्रोडक्ट जो बनाते हैं मीट मछली का प्रोडक्ट जो बनाते हैं, किसको हटाइए हटाइए नहीं तो हमारा धंधा बंद हो जाएगा, हम क्या करेंगे, लाखों करोड़ों रुपया का लॉस हो जाएगा, उससे प्रोडक्ट हमारे सेल नहीं होगा। WHO ये बड़े बड़े लोगों और बिजनेसमैन के प्रेशर में उसने भी उस आर्टिकल को हटा दिया, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, कई दिन तक ही रहा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी दुनिया का प्रेशर को सुना और हटा दिया, ये भी डरता है। ये दुनिया में भी क्या हो रहा है ये सत्य को बोलने के लिए सबका दम नहीं है अंदर, सब अपने लोभ में अपना बिजनेस बना रहे हैं और चला रहे हैं, बिजनेस में दूसरे के भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। असली में तो बिजनेस तभी करना चाहिए, हमारे अंदर में एक भावना होनी चाहिए दूसरे को लेकर भलाई के लिए। जो काम से आपके अंदर में ऐसा विचार है कि दूसरे की भला होगी और वो आप जो काम कर रहे हैं, तो आप इसको बिजनेस मॉडल में कन्वर्ट कीजिए। लाभ को उल्टा कीजिए तो भला होता है, और भला को उल्टा कीजिए तो लाभ होता है। तो जिस काम में आपको दूसरे की भला दिखती है वो काम कीजिए, स्वतः लाभ होगा। लेकिन अभी क्या हुआ, दूसरे का लाभ हो या ना हो, मेरी लाभ होनी चाहिए, इसी पे तो बिजनेस मॉडल पूरे आधारित है। खाना पीना गुटखा सिगरेट, अब देखो सिगरेट गुटखा वाइन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, फिर भी तो गवर्नमेंट सेल करो, लाइसेंस दे के रखा है ना। आज हम आसाम में बैठे हैं, आसाम गवर्नमेंट के भी तो लाइसेंस आप जाए गुटखा बिक्री हो रहे हैं, वाइन सिगरेट, जब अच्छा ही नहीं है तो सील मार दो ना, ये सब का प्रोडक्शन ही नहीं होनी चाहिए, बिकनी ही नहीं चाहिए, फिर भी बिक रहा है। बात ऐसे ही है, आपको कितने सारे डॉक्टर मिल जाएंगे जो वाइन पीते हैं बहुत सारे, लेकिन उसमें लिखा भी है इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीने के लिए इंजूरियस टू हेल्थ, तो फिर सेवन ही क्यों करना है। ऐसे जो लोग हैं जो प्रोटीन के धंधा में जानवरों को जीव को हत्या करके खुद खाने के लिए, सच्चाई ये है कि उसके मन में खाने के लिए जीव के स्वाद के लिए इतना बड़ा लोभ बना हुआ है, वो सब कुछ जानता भी है, उस लोभ के कारण वो फिर खाता भी है। वो जानता है कि सबसे ज़्यादा हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए, इंटेस्टाइन्स के लिए ये हानिकारक है। मनुष्य की इंटेस्टाइन बहुत लंबा है,
17 18 या 22 फीट इतना कुछ लंबा है, लेकिन जानवरों का टाइगर का ये तो कम है, करीबन 3 फीट से लेकर 6-7 फीट के अंदर आता है जानवरों का। तो वो ऐसा खाना खाएंगे तो डाइजेस्ट भी कर लेंगे। और आप देखिए ना प्रकृति में कितने सुंदर से सब चीज़ डिजाइंड है। जो जानवर मीट खाते हैं, जो जानवर नॉनवेज है, वो जानवर फिर घास नहीं खाता है, वो तृणभोजी नहीं है। जाकर देखो बाघ थोड़ी घास खाता है और डियर मीट नहीं खाती है। तो जो जो तृणभोजी जानवर मांसाहारी नहीं होते हैं, मांसाहारी जानवर फिर तृणभोजी नहीं होते हैं, और वो अपने प्रकृति के बनाई हुई व्यवस्था में ही चल रहे हैं। मनुष्य अपनी प्रकृति के बनाई हुई व्यवस्था से हट गया है। मनुष्य के लिए खाने के लिए विकल्प है। अब मनुष्य घास फूस भी नहीं खा रहा, उसको बॉयल करके खाता है। साग सब्जी खाने के लिए वेजिटेबल्स पूरा उपलब्ध किया है तुम्हें ईश्वर ने, प्रकृति ने। तुम्हारे खाने के लिए सब कुछ बनाया गया है। अगर आप मांस नहीं खाएंगे, अगर एक बाघ है, अगर वो बाघ सुबह उठकर अगर दूसरे जानवरों को दौड़ाकर नहीं मारेगा तो वो मर जाएगा। उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसको मार के खाना ही पड़ेगा मांस। लेकिन मनुष्य मीट मछली नहीं भी खाएगा तो रह सकता है जिंदा, उसके पास विकल्प है। लेकिन मांसाहारी जीव जंतु उसके पास विकल्प नहीं है, उसको मांस खाना ही पड़ेगा क्योंकि वो घास फूस नहीं खाते हैं। अब बाघ को आप जाएंगे पनीर और पूड़ी सब्जी दाल भात देने के लिए खाने के लिए तो बाघ खाएगा, मांसाहारी उसको मीट चाहिए, याद रखना है। और कुछ जानवर होते हैं मांसाहारी भी होते हैं और मनुष्य जो आहार लेते हैं दाल भात चावल ये भी खाते हैं। तो ये प्रकृति की इतनी सुंदर व्यवस्थित व्यवस्था को समझना जरूरी है हमें, और इनसे हमारी बहुत शरीर में हानि होती है। और सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में क्या होता है, ये भोजन पूर्ण तामसिक भोजन है। इस भोजन से हमारे अंदर में तामसिक वृत्ति डेवलप होगी, तामसिक मन होगा, आलस्य उत्पन्न होगा, मन चंचल होगा, आप सकाम कर्म में लिप्त हो जाएंगे और ऐसे ना जाने कितने कर्म में, पाप कर्मों में लिप्त होकर और अपने आप को बंध लेंगे और अंत में आपको मुक्ति भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम जो खाते हैं वही हमारा शरीर बनता है, मन भी बनता है और विचार भी वैसे ही बनते हैं, कर्म भी वैसे ही होते हैं, फल भी वैसे ही मिलते हैं। एक पूरे श्रृंखला है, श्रृंखला है। तो आज वैज्ञानिक भी कह रहे हैं और कुछ आध्यात्मिक रिसर्चर्स वो भी कह रहे हैं कि ये आहार का सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए और अध्यात्म उपलब्धि के लिए भी अत्यंत हानिकारक है। इसका सेवन ना करें तो आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, ठीक है।